आप सभी शिक्षार्थियों का और शिक्षकों का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुमित प्रसाद इस कोर्स मैनेजरियल कंसेप्ट का कोर्स कोऑर्डिनेटर हूँ और मैं आप सभी शिक्षकों का और मयूर सर का और ज्योति मैडम का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में एनईपी के तहत नए पाठ्यक्रमों का संचालन किया गया है, जिसके कारणवश कई छात्रों ने अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन लिया है, जिसमें से आप सभी छात्रों ने मैनेजरियल कंसेप्ट नाम के इस कोर्स में एडमिशन लिया है। इस कोर्स का संचालन दो माध्यमों से किया जाएगा, जिसमें हम ऑनलाइन क्लासेस भी लेंगे, ऑनलाइन काउंसलिंग सेशंस, और उसके अतिरिक्त सर मेरी आवाज़ आ रही है? मैडम मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। आवाज आ रही है मेरी सर? हेलो, जिसमें कि ऑनलाइन क्लासेस का संचालन किया जाएगा। इन क्लासेस का संचालन करने के लिए हमने आप लोगों के साथ लिंक शेयर करा है ऑनलाइन पोर्टल का, e-learning.uu.ac.in, जिसके थ्रू आप हम लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का भी निर्माण किया है आप लोगों के लिए, उसके लिंक भी शेयर कर रहे हैं, जिन लिंक के थ्रू आप उन व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इन व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में लगातार नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। अब मैं इस कोर्स से रिलेटेड कुछ जानकारियां आपको देना चाहूंगा। मैंने आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करी है। इस स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं कि पोर्टल का नाम है e-learning.uu.ac.in। जब आप इस पोर्टल पे क्लिक करेंगे तो आप इसके होम पेज पे एक्सेस होंगे। इस तरीके से यहाँ पे आप ये स्किल एनहेंसमेंट कोर्स में जाएंगे। यहाँ पर आप मैनेजमेंट एंड कॉमर्स सेलेक्ट करके मैनेजरियल कंसेप्ट्स, इस तरीके से आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। जब आप इस कोर्स को एक्सेस करेंगे, जब आप इस कोर्स को एक्सेस करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि ये एक पूरा पेज मैनेजरियल कंसेप्ट्स का आपके सामने बन के आ जाएगा। इस पेज में आपके कोर्स से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ये कोर्स आपका टोटल 12 यूनिट्स में डिवाइडेड है, जिससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ये यूनिट वाइज यहाँ पर अवेलेबल कराई गई है स्कूल द्वारा। यूनिट 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3 एंड सो ऑन सो फोर्थ। सबसे पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन इस कोर्स के बारे में। आज हम 4 तारीख 3 बजे इंडक्शन सेशन कर रहे हैं। इस इंडक्शन सेशन से रिलेटेड ये लिंक और ये अटेंडेंस फॉर्म आपके साथ शेयर किया गया है। आप सभी इसमें अपनी अटेंडेंस मार्क कर देंगे। आप सभी इस लिंक पर अपनी अटेंडेंस मार्क कर देंगे। इसके अतिरिक्त जब आप इस पेज में आगे की तरफ पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि हमने ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन के लिए एक रिकरिंग मीटिंग शेड्यूल करी है, जो कि 5 दिसंबर यानी कल से शुरू होगी। क्लास का टाइम 3 बजे से 4 बजे तक का है और ये लिंक है इस मीटिंग का। ये जूम मीटिंग प्लेटफॉर्म पे करी जाएगी। आप इस पे लगातार डेली 3 से 4 बजे तक कनेक्ट होंगे। ये इंस्ट्रक्शन है इस कोर्स मैनेजरियल कंसेप्ट से रिलेटेड, जिसमें आपको इस कोर्स के बारे में जानकारी दी गई है कि ये कोर्स मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स का है, जिसे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज ऑफर कर रहा है। ये कोर्स स्किल कॉम्पोनेंट बेस्ड कोर्स है, इसे आपने स्किल एनहेंसमेंट कोर्स कैटेगरी में चूज किया है। ये स्किल एनहेंसमेंट कोर्स
दो हिस्सों में डिवाइडेड है, जिसका पहला पार्ट 60 मार्क्स का है जिसे हमने स्किल कंपोनेंट असेसमेंट कहा है, और इसका सेकंड पार्ट इंड टर्म एग्जामिनेशन का है जो कि 40 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा। ये पेन एंड पेपर मोड में करा जाएगा। इसके अतिरिक्त स्किल कंपोनेंट असेसमेंट का इवोल्यूशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू किया जाएगा, जिस प्लेटफॉर्म की जानकारी आपको इसी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे दी जाएगी। मटेरियल इस सब्जेक्ट का सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है, वीडियोस हम आपको अवेलेबल कराएंगे अलग इस कोर्स से रिलेटेड। इंट्रोडक्शन सेशंस हम दोनों लैंग्वेजेस में रखेंगे, इंग्लिश एवं हिंदी में, ताकि मैक्सिमम कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किया जा सके। इंटर्म एग्जामिनेशन आपको ओएमआर शीट पे किया जाएगा, जिसमें हर क्वेश्चन के 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, जिनमें से आपको जो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है वो चूज करना होगा। और इसी तरीके से स्किल कॉम्पोनेंट असेसमेंट का इवेल्युएशन भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन के थ्रू ही किया जाएगा। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आपके 30 क्वेश्चन होंगे, जिसको करने 30 क्वेश्चन होंगे जिसको करने के लिए आपको टोटल 120 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। इसको करने के लिए आपको 2 अटेम्प्ट्स दिए जाएंगे, इन 2 अटेम्प्ट्स में जिसमें भी आपके मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो अटेम्प्ट आपका कंसिडर किया जाएगा। ये प्लेटफॉर्म जब आप एक्सेस करेंगे, अभी तो मैंने इसको अपने प्रोफाइल से लॉग इन किया है, जब आप इस प्लेटफॉर्म को एक्सेस करेंगे तो टॉप राइट कॉर्नर में देखिए आप, यहाँ पे एक लॉगिन बटन आएगा। आप इस लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन पोर्टल एक्सेस होगा। इस लॉगिन पोर्टल पे आप अपना एनरोलमेंट नंबर, जो कि आपको यूनिवर्सिटी द्वारा दिया गया है, उस एनरोलमेंट नंबर को लिखेंगे, और उसके बाद पासवर्ड लिखेंगे जो रैंडम पासवर्ड है, ASDF#123, जिसमें ए कैपिटल है। ये पासवर्ड एंटर करने के बाद आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करते ही आपका पासवर्ड रिसेट किया जाएगा और आप अपना प्राइवेट पासवर्ड इसमें सेटअप कर पाएंगे। इस तरीके से ये पेज आएगा जब आप लॉगिन करेंगे, एंड अगेन आप स्किल मैनेजमेंट कोर्स की कैटेगरी में जाएंगे, मैनेजमेंट एंड कॉमर्स, मैनेजरियल कॉन्सेप्ट्स। इस तरीके से आप इस कोर्स में एक्सेस कर पाएंगे। अब बात करें फर्स्ट वीक की, तो ये कोर्स 3 अलग अलग सब्जेक्ट से मिलकर के बना है, जिसमें पहला पार्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, दूसरा पार्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट है, एंड तीसरा पार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। इसमें आपको तीनों पार्ट्स की 4 यूनिट्स मिलेंगी, जिनको आपने पढ़ना है, जिनके बेसिस पर आपका इवैल्यूएशन किया जाएगा। फर्स्ट वीक में आपके पास इंट्रोडक्शन इन स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, जिसके लेक्चर यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल करा दिए गए हैं। यहाँ पर से आप इन वीडियो लेक्चर्स को पढ़ सकते हैं। कल इससे रिलेटेड आपकी ऑनलाइन क्लास कंडक्ट करी जाएगी, जिस ऑनलाइन क्लास में आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन पढ़ाई जाएगी। यहाँ पे इससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, जिसपे क्लिक करके आप स्टडी मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं। ये आपका यूनिट 1 का स्टडी मटेरियल है, इस मटेरियल को एक्सेस करके आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं। हर टॉपिक के कंप्लीशन के बाद डेली बेसिस पे आपसे केस स्टडी डिस्कस करी जाएगी, उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। केस स्टडी 1.1, केस स्टडी 1.2, 1.3, 1.4, जिससे रिलेटेड आपको कई क्विजेस कराई जाएंगी। इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि आप स्किल बेस्ड कंपोनेंट को इफेक्टिवली एनहेंस कर सकें इस पर्टिकुलर कोर्स से रिलेटेड। एंड इस तरीके से ये कोर्स टोटल 12 वीक्स के स्पैन में कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें 12 हफ्ते में आपके 12 अलग अलग टॉपिक्स कवर होंगे। अगर आप कोई क्लास अटेंड नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो आप उस वीडियो को बाद में जा करके एक्सेस कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस इंडक्शन सेशन से रिलेटेड मैंने एक लिंक आप लोग के साथ शेयर कर दिया है, जो कि अटेंडेंस लिंक है। उस लिंक पे आप अटेंडेंस मार्क करके सबमिट कर दीजिए। अटेंडेंस में आपको आपका नाम और आपका एनरोलमेंट नंबर सबमिट करना है, और ये ऑनलाइन पोर्टल है, जिस ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू आपकी क्लासेस चलेंगी।
ना। अब आप लोगों के पास जो भी सवाल है आप प्लीज वो मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। अगेन मैं आपसे कहूंगा कि आप व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आप हेलो, जो नोटिफिकेशंस रिसीव करना कन्वीनियंट हो जाएगा। यस हेलो गुड स्टूडेंट्स, इवनिंग सर, हेलो गुड इवनिंग सर, हेलो, आप सब एक बार अपना कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि हम लोग एक दूसरे को देख सके। हेलो गुड इवनिंग सर, हेलो सर, अब आप लोगों के पास कोई सवाल है तो आप लोग बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन था, आवाज आ रही है सर मेरी? आपकी आवाज नहीं आ रही बच्चे। सर अब आ रही है आवाज? सर अपना सवाल चैट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं। अंजलि शाह, विनी, आप लोग अपना कैमरा ऑन करिए। आप अनम्यूट कीजिए अपना माइक। गुड इवनिंग सर। ठीक है, अगर किसी और पार्टिसिपेंट को कोई सवाल है तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। ईमेल आईडी है bbavv201@uou.ac.in। bbavv201@uou.ac.in इस पे आप लोग मेल कर सकते हैं। सर एक बार दोबारा रिपीट कर देंगे सर आप? BBAV V फॉर विक्ट्री हाँ टू जी, जीरो वन एट द बी बी BBAV201 एट द रेट टू, यूओयू हाँ जी, एट द रेट यूओयू डॉट एसी डॉट। आपने ईमेल अपडेट करा ली है तो फिर डॉट मैसेज एसी डॉट। आईएन। हाँ सर, मेरा मेरा क्वेश्चन है सर, तो सर मेरा ना, हेलो आवाज आ रही सर? जी सर, सर मेरा जब मैंने फॉर्म फिल किया था उसमें मेरा ईमेल ना थोड़ा गलत हो गया था, तो मैंने उसे जब मैंने ये ईमेल मैंने अपडेट देखा अपने भाई के, उसमें कि उसमें आ रहा है तो मेरे उसमें नहीं आया, तो फिर मैंने वहाँ चेक किया था तो गलत था, तो मैंने उसको ना सर अपडेट कर दिया था। तो अब जो आने वाले जो ईमेल्स आएंगे जो फ्यूचर, मतलब वो मेरे को अपडेट होते हैं सर वहाँ से, क्योंकि मैंने उसे आप वहाँ ये सही जो करवा मैंने दिया। अभी ईमेल आईडी बताई है इस ईमेल आईडी में एक मेल कर दीजिए कि मेरी सही ईमेल आईडी ये है और उसमें मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है सर, मैं चैट में लिख दूं सर आपको? ठीक चैट में नहीं, ईमेल, इस ईमेल आईडी पे ईमेल करना अपना एनरोलमेंट नंबर के साथ। है, अच्छा जो आपने मुझे अपना ईमेल बताया सर, हाँ ठीक है सर। और सर ये हमारे रेगुलर, जो एग्जाम है सेमेस्टर वाइज होंगे सर? हाँ सेमेस्टर वाइज एग्जाम तो की सर ये डेट एग्जामिनेशन सेक्शन से आएगी, वेबसाइट पे अपलोड होगी, रेगुलर बेसिस पे वेबसाइट चेक करनी है और जो ग्रुप्स हैं ग्रुप्स में तो पोस्टिंग होगी,
तो इसलिए जी सर, कनेक्टेड हाँ रहना है। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिया आपने, टेलीग्राम ग्रुप? हाँ ठीक है सर, वो हम कर लेंगे अभी। और सर ये कि और सर जो हमारे जो इसमें 8 सब्जेक्ट है ना सर, इसमें जो हमने फॉर्म फिल किया है सर, वो 8ों के फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम होंगे या फिर उसके मतलब ऐसे डिवाइड डिवाइड हो? सब सारे एग्जाम फर्स्ट सेमेस्टर। हेलो, आपकी आवाज कट रही है, शायद आपका सिग्नल कट रहा है। किसी और को कोई डाउट है? हेलो हाँ जी, जी सर, वो जो 8 सब्जेक्ट हैं तो पहले उन्हीं 8 सब्जेक्ट से पेपर होंगे फर्स्ट हाँ, सेमेस्टर उन सबके एग्जाम्स होंगे फर्स्ट सेमेस्टर। में? हमारे पहले 4 के होंगे, 4 के होंगे। जितने में एडमिशन लिए आपने, सारे एग्जाम अभी एक साथ होंगे फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है सर, ये दिसंबर में हमारे दिसंबर में तो नहीं है, जनवरी या फरवरी में होंगे। वेबसाइट नोटिफिकेशन आएगा एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट और सर असाइनमेंट वगैरह हमारे वो भी सर वही नोटिस आए। असाइनमेंट के लिए 5 तारीख से लिंक खुल गया है। अभी आप लोग असाइनमेंट के पोर्टल पे एक्सेस कर पाएंगे, वहीं असाइनमेंट भी जमा होंगे। ठीक है, इसके लिए अनाउंसमेंट का असाइनमेंट अलग तरीके से होगा, वो हम ग्रुप में पोस्ट करेंगे कैसे होगा। ठीक है, ठीक, हाँ जी सर, हाँ जी सर, मयूर सर, ज्योति मैडम, आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? सर सर नेटवर्क नो प्रॉब्लम है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा सा। हेलो सर, ज्योति मैम, मयूर सर, आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? सर नेटवर्क इश्यू हो रहा है थोड़ा, कोई आवाज बात क्लियर क्लियर नहीं आ रही है। नहीं, आप इस रिकॉर्डिंग को चेक कर सकते हैं। अब इस रिकॉर्डिंग का लिंक मैं ग्रुप में पोस्ट करूँ, ठीक है सर, हम ग्रुप में ऐड होंगे, ग्रुप आप हमें उसमें लिंक भेज दोगे तो हम देख लेंगे उसको। लिंक मैंने इसमें दिया हुआ है चैट बॉक्स में, व्हाट्सएप कर। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। ठीक है फिर, अगर आप लोगों के और कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम इस मीटिंग को यहीं कंक्लूड करते हैं। अटेंडेंस फॉर्म मैंने दे दिया है, आप लोग अटेंडेंस मार्क कर दीजिए। ये अटेंडेंस फॉर्म 5 बजे तक खुला रहेगा। थैंक यू वेरी मच। हेलो सर, हाँ जी, ये अटेंडेंस कैसे होगी सर? गूगल फॉर्म। हेलो गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, उस लिंक में अटेंडेंस होगी, उसमें अपना नाम और अपना अपॉइंटमेंट सर, लिंक कहाँ पे? ये चैट में सर, नंबर चैट में भी है, और अभी व्हाट्सएप ग्रुप में भी पोस्ट हो जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप कौन सा है सर? ले लेना व्हाट्सएप ग्रुप तो अच्छा, वो ज्वाइन करना पड़ेगा ना अभी हाँ, नंबर? उसको ज्वाइन कर लो आप, डिटेल्स इस ओके चैट बॉक्स में रखी हुई है। सर, चैट तो सर नेटवर्क है ना सर, चैट पूरी हट चुकी है सर ये शायद। सर ईमेल आईडी क्या है आपकी? सर मेरी ईमेल आईडी है SAGAR। SAGAR 8 फोर थ्री थ्री 8 2 4 3 3 एट टू SAGAR 4 3 3 8 2 एट टू एट द रेट gmail.com। हाँ जी सर, सर असाइनमेंट हमारे रिटर्न में होंगे? अच्छा ऑनलाइन, सर, ठीक है, हेलो लिंक। सर हाँ जी, हाँ विनी, ये सर अटेंडेंस किसमें मार्क हो गई? सर जो मैंने गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिया आपने? यस सर, ठीक है, अभी थोड़ी देर में व्हाट्सएप ग्रुप में भी पोस्ट हो जाएगा अटेंडेंस का लिंक, अदरवाइज मैंने अटेंडेंस का लिंक पोस्ट किया है इसमें। भेज सर आप दोबारा भेज दीजिए। दिया, भेज दिया। माफ़ कर।
थैंक यू सर भाई। सर हाँ सर, ये तो मेरे भाई का है ना सर, ये गूगल मीट है ना जो सर, हम दोनों साथ में ही है ना सर बैठे हुए अभी, क्योंकि मेरा तो गलत अपडेट हो गया था, तो इसका मुझे नोटिफिकेशन नहीं आ पाया ना सर, ईमेल वहां से आपके वहां हाँ से, तो सर हाँ मेरी अटेंडेंस होगी फिर सर अभी। दोनों अपने अपने फोन में एक्सेस करके अटेंडेंस कर लीजिए, ठीक अच्छा ठीक है सर, है। मेरा अपना हेलो एनरोलमेंट सर, नंबर लिखना है, लिख। हेलो हाँ जी हो गया, सर, ठीक है। यूनिट परमिशन करके आ रहा है, क्या हाँ अब कंडीशन आ रहा है? यूनिट परमिशन, परमिशन किस चीज की? आपको अपनी ईमेल आईडी एक्सेस एक्सेस करनी पड़ेगी। लर्न मोर करना। ओके सर, रिफ्रेश करिए और फिर ट्राई करिए। मैं यहीं से ले लो, यही मेरा आईडी अपडेट है। सर नहीं हो पा रहा सर यहाँ से। फिर से ट्राई कीजिए, मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अभी ये मीटिंग बंद करके मैं उसमें एडिट करता हूँ, लग गया, ठीक है, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर, ये सबसे पहले आईडी।